बॉलीवुड में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जिनका काम दिन भर ट्विटर पर सिर्फ बकचोदी करना है। मुद्दा कोई भी हो, उन्हें बस अपनी राय देने से मतलब है। ऐसी ही एक एक्टर हैं स्वरा भास्कर। शायद ऐसा कोई ही दिन जाता होगा जब स्वरा भास्कर ट्विटर पर गाली ना खाएं। इन दोनों सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर जमकर बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज में भगवान शिव, श्रीराम और नारद जी का खुलेआम मजाक उड़ाया गया है और इसलिए लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्वरा भास्कर को इस वेब सीरीज में कुछ गलत नहीं लगता। उनके लिए भगवान का मजाक उड़ाना कुछ मायने नहीं रखता। स्वरा ने एक ट्वीट करते हुए तांडव वेब सीरीज की तारीफ की है और लिखा है कि एक हिंदू होने के नाते उन्हें तांडव में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है, मैं हिंदू हूँ, मैं तांडव के किसी भी सीन के लिए खुद को अपमानित महसूस नहीं कर रही हूँ। तांडव पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? स्वरा के इस ट्वीट पर बुरी तरह लोग भड़क गए हैं। लेकिन इस सब में एक शख्स ने ऐसी बात लिखी है कि सबका मुंह बंद हो गया है। उसने याद दिलाया है कि पिछले दिनों भारत में एक फिल्म मोहम्मद रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब महाराष्ट्र सरकार ने उस पर यह कहकर बैन लगा दिया था कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। उस समय इस पूरे मामले पर स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने चुप्पी साध ली थी, जबकि मोहम्मद कई मुस्लिम देशों में पहले ही रिलीज हो चुकी थी। दरअसल इन सब की दिक्कत यही है कि इन्हें सारी खोट सिर्फ अपने धर्म में दिखती है। अरे भाई, सारे मजहब एक समान है, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाना गलत है। लेकिन स्वरा भास्कर जैसे चंद लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देखते हैं ताकि वे खबरों में बने रहें। अब आप खुद ही सोचिए कि जिसके अपने दम पर आज तक एक फिल्म हिट ना हुई हो वो क्या करेगी? वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी कि लोग उसे गालियां दें ताकि वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।